आज की कविता है, क्या एक पेड़ लगाया। एक्चुअली कविता तो कहीं और से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में प्रकृति की तरफ टर्न हो गई। तो क्योंकि भाई वो जो अंदर में छुपा हुआ दर्द है वो आ ही जाता है, लोग खत्म कर रहे हैं हमारे इस पूरी की पूरी कायनात को। तो कविता स्टार्ट होती है यहाँ से कि क्यों कर जिंदगी पे यकीन नहीं आया। क्यों कर जिंदगी पे यकीन नहीं आया, मुकाम सामने थी, वक्त पे पैर क्यों नहीं बढ़ाया। ये अफसोस की बात है कि भाई अफसोस करते यार, मैंने उस समय ये कर लिया होता तो अच्छा होता। ठीक है, तो मुकाम सामने थी पर वक्त पे पैर क्यों नहीं बढ़ाया। और सितारे भी कईयों को गगन में चमकने की प्रेरणा देते हैं। किसी ने कहा कि चांद, सब लोग चांद की बातें करते हैं, भाई सितारे भी तो हैं। सितारे भी कईयों को गगन में चमकने की प्रेरणा देते हैं, चांद पे उम्मीदों का बोझ इतना क्यों बढ़ाया। चांद पे उम्मीदों का बोझ इतना क्यों बढ़ाया। और एक अनसुलझी कहानी है ये जिंदगी भी, एक अनसुलझी कहानी है जिंदगी भी, कदम कदम पे न जाने कितना मोड़ आया। और जब जब सरपट दौड़ने लग गए तो न जाने पैरों में बार बार कैसे जाल उलझ उलझ आया। न जाने पैरों में बार बार कैसे जाल उलझ उलझ आया। और उलझनों के हाथ रही है जिंदगी की बागडोर मेरी। अंधेरों ने मुझे अक्सर ही रास्ता दिखाया। और अब जब आंखें अंधेरों में देखने की अभ्यस्त हो गई हैं, तो ये कौन है जो चिराग लेकर अंदर आया। और गफलत में खुद को रख के हम इत्मीनान से रहते हैं। भैया यार ठीक है यार, अपने आप को भुलाए में रखा हुआ है। ठीक है, तो गफलत में खुद को रख के हम इत्मीनान से रहते हैं। बहुत पहले ही हमने घर से सारा आईना हटवाया। अब क्यों ही कोई मेरी आंखें खोलने पे आमादा हो रहा। आंखों पे मैंने सब्र की मिट्टी का लेप चढ़ाया। और न जमाना पहले खराब था। यहाँ से प्रकृति की तरफ टर्न होती है। न जमाना पहले खराब था और न आज खराब है। इंसानों ने लालच और हवस में सब कुछ उलझाया। ज्यादा और ज्यादा के चक्कर में दोहन कर करके हमने दुनिया विनाश के कगार पर पहुंचाया। और अभी भी संभला जा सकता है। हम सबको संभलना होगा। जंगल बसाने के बारे में पहले भी था सबको बताया। और विकास की अंधी दौड़ छोड़ के जल और जंगल बढ़ाना होगा। और शुरुआत कर दिया तो सीना चौड़ा करके कहोगे कि देखो कर दिखाया। और आखिरी चार लाइनें दोस्तों कि प्रकृति पूजा ही सबसे बड़ी उपासना है यही समझाया। 10 पेड़ लगाया मतलब समझो कि 100 तीर्थों का लाभ पाया। 10 पेड़ लगाया मतलब समझो 100 तीर्थों का लाभ पाया। और एक पेड़ से शुरुआत करके तो देखो यारों, अपने हाथों से लगे पेड़ को बढ़ता देख दिल को खूब सुकून आया। थैंक यू।